बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा अनफाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने $1 के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम जिस शॉप में आए हैं इसका नाम है वन रियाल, ठीक है। तो $1 तो आपको पता है डॉलर कितना महंगा हुआ, रियाल जो है वो भी महंगे हुए हैं, लेकिन ये कुछ रीज़नेबल प्राइस ही लग रही है। 180 में ही यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए विज़िट करते हैं, देखें कितने पैर स्टर्ड हैं यहाँ पर और ये पैक वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर ये देखें हेयर बैंड्स हैं, कैचेस वगैरह हैं, और मैं साथ साथ सारा आपको विज़िट भी करवाऊंगी। जो चीज़ें मुझे ज़्यादा प्यारी लगेंगी ना वो आपके साथ साथ मैं शेयर करूंगी। ये नैपकिन मुझे बड़े प्यारे लगे हैं, देखें रुमाल वगैरह है, मतलब इससे आप बर्तन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, वैसे भी अपने यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और मुझे ये शॉप जो है ना बड़ी कमाल की लगी थी, तो मैंने कहा कि यहाँ से चीज़ें ना हमने परचेज़ करनी है। ऐसी बस फन शॉपिंग थी, तो मैंने कहा चलो साथ एक व्लॉग बन जाए। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें जो है वो घर में जो यूज़ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। किचन का सामान भी है, गिफ्ट भी है। ये देखें ये डोरेमोन कितने प्यारे लग रहे हैं, और बच्चों का जो पोर्शन है पूरा वो बना हुआ है। देखें डॉल्स वगैरह, ये देखे तो मुझे डर लगा था, मुझे लगा जैसे रियल में कुछ है, फिर मैंने गौर से देखा तो वो दूसरी डॉल्स थी। अच्छा, ये बच्चों के खिलौने का पोर्शन है सारा। तो यहाँ पर आपको हर तरह के खिलौने जो हैं वो मिल जाएंगे, ब्लॉक्स वगैरह भी हैं और गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और मुझे ये जो है ना पज़ल बड़ा ज़बरदस्त लगा था। ये देखें प्रॉपर एक घर है, तो इसका पज़ल बॉक्स 3D में वो बना हुआ है, और नाइफ़ वगैरह भी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं, मतलब सिंगल सिंगल नहीं है, डबल मतलब पेयर्स आपको मिलेंगे, और प्राइस भी 180 है सिर्फ। ये कैंडल्स मुझे बहुत प्यारी लगी हैं, और ये देखिए लाइट वाली कैंडल है और इसकी रोशनी भी बड़ी ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा है कि 12 रबीउल पर हम इन कैंडल्स को घर में जलाएँगे। दूसरी कैंडल्स होती हैं लेकिन आपको पता है वो जल्दी जो है वो जब आग जलाएँ तो बुझ जाती हैं, ज़्यादा देर हवा से भी इस तरह होता है। तो हम इन कैंडल्स को जलाएँगे, और आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि आप इनको ही जलाना, बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा जी, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये पोर्शन सारा जो है यहाँ पर आपको गिफ्ट वगैरह देखें हर तरह के मिल जाएंगे। और ये देखें होम कीज़ वाला कितना प्यारा, आप इसे घर में लगाएँगे तो उसमें कीज़ वगैरह जो आप आसानी से रख सकते हैं, और कुछ भी ऐसा। तो बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे गिफ्ट हैं, और ये देखें ये कुशन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं और यूज़ में भी काफ़ी बेस्ट रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे तकरीबन यही लग रहा है कि अच्छी चीज़ें हैं। बाकी आप ये देखें प्लास्टिक के सारे बर्तन वगैरह भी हैं और शीशे के भी हैं। किचन का सारा जो क्रॉकरी वगैरह ना वो आपको यहाँ पर सारी मिल जाएगी, और सिर्फ 180 में। तो 180 में भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये सिंदीज वगैरह घर में लगाने के लिए, ये भी कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं सारी। और ये पूरा जो पोर्शन है ना यहाँ पे आपको ये देखें चकला मेलना भी रोटी शोटी बनाने के लिए कितना प्यारा बना हुआ है। और इस साइड का पोर्शन जो सारा है वो आपको मैंने दिखाया, ये सारा किचन का है। मिरर भी बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, और सिंदीज भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें बच्चों के लिए कितने प्यारे यहाँ पर आपको गिफ्ट मिलेंगे। डोरेमोन भी हैं, डॉल्स भी हैं, हर तरह की यहाँ पर आपको चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। मुझे कलरफुल डोरेमोन इतने अच्छे लगे हैं, तो मैंने कहा चलो थंबनेल के लिए एक प्यारी सी पिक्चर भी ऐसे ही बना लेते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सारे जितने भी कार्टून हैं उनके सारे कैरेक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं, देखिए कितने ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ पर 180 में चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, क्वालिटी है इन चीज़ों की और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये देखें सारे हर तरह के आपको किचन में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं मिलेंगी। और ये देखें कूलर जग जो है पानी ठंडा रखना चाहते हैं तो इजीली आप इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही नोट किया है कि यहाँ पे बच्चों के लिए भी बड़े प्यारे प्यारे खिलौने हैं, बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। और ये देखें कितना प्यारा ये पिज़्ज़ा का वो सारा बना हुआ है, कटिंग वाला भी है साथ में, और नाइफ वगैरह हर चीज़ है, और इसके अलावा किचन का भी सारा सामान। और ये देखें रोटी वाली पिटारी है, जब हम इसमें रोटियाँ रखेंगे तो ज़ाहिर है वो गर्म रहेंगी। और ये बड़ी प्यारी देखें कितनी यूनिक किस्म की, डिफरेंट कलर की यहाँ पे, और बच्चों की बॉटल्स में हैं वो भी बड़ी प्यारी हैं, स्कूल के टिफ़न बॉटल्स हर तरह के आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। आप देखें, अच्छा यहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने नोट किया है ना, तो उस साइड पे भी पूरा एक पोर्शन था वो बच्चों के खिलौनों का था, और इस साइड पे भी राइट भी और लेफ्ट भी, और किचन का भी सारी क्रॉकरी सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, अब मैंने पहले प्लास्टिक का सारा आपको मटीरियल दिखाया था, अब ये देखेंगे ये जो कप है ना कितने ज़बरदस्त, मुझे बड़े पसंद हैं इस तरह के कप। जो विज़िट आपको करवाना था वो तो मैंने करवा दिया है, अब यहाँ के जो ऑनर हैं चले थोड़ी उनसे भी बात करते हैं, एड्रेस वगैरह सारा उनसे पूछते हैं, और फिर यहाँ से चलते हैं, भूख पड़ी लगी है, फिर जाके खाना भी खाना है। तो चलें अभी बाय बाय, और वहाँ पे उनसे थोड़ा सा इंट्रो करते हैं और फिर चलते हैं। इधर एक भाई हैं जो इस टाइम शॉप पर हैं, तो उनसे हम सारी डिटेल पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं, तो बाकी चलें उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस दुकान का ओनर हूँ, इधर हमारे पास 180 और 200 में सेल हो रहा है।
ये हमारे पास 200 और 180 में 200 है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें, वैरायटी काफ़ी है, आप आए इंशाल्लाह हमारा विज़िट करें। अच्छा, आप यहाँ का अपना एड्रेस है वो भी बता दें। हमारा एड्रेस है नूर मस्जिद, जिस सामने हमारे नूर मस्जिद। ठीक है, तो कितने बजे शॉप ओपन होती है? तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, रात 11 बजे तक। तो काफ़ी चीज़ें लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। जी, हमारे पास काफ़ी वैरायटी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है, लोग जो है वो चीज़ें वगैरह यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, हमने भी काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं, और आपकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है और हर चीज़ बहुत मुनासिब कीमत में मिली है, तो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो वाइंड अप की है, और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अब हम खाना खाने लगे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी अब आपने ज़रूर बताना है। और हमने मंगवाए हैं दलीम चावल, जो कि बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के हैं, और आपने मुझे ये भी बताना है कि रायता, सैलड, दलीम चावल कौन कौन इस तरह से खाता है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह है भी बहुत मज़े के। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।